खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। लोग पावरफुल है वो ड्यूटी पे आ गया, आपने कहा उनकी बात रखी हो जो ड्यूटी पे आना चाहिए, गरीबों का शोषण हो रहा है उसकी बात रखते हो, सड़कों में अच्छी हो कार्रवाई। आज आप सबने हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर करेंगे और ये अच्छी बात नहीं है, हम शिवराज सिंह के और शिवराज के मंत्री जी ने धमकी दी है जी को, हम इसे इस्तीफा दिला रहे, हम इस्तीफा दे रहे, हम दबने वाले नहीं है, हम शिवराज सिंह के और सांसद जी जो आप कर रहे हो ये गलत है। आपसे मेरा आपके आरक्ष कर उचित अलग है, हमारे ये लगे आपको पढ़ना था जी, आप पिता बोल लो, आपकी जो भूमिका है वो ठीक नहीं है, आपके पिता की भूमिका में सबको बुलाएगी नहीं। आपने मंत्री जी से कहा कि आपने इतना टाटा सारा तौर पर विकास ज्यादा वो आदमी है, मैं जानता हूँ उसको सिंधिया के नाम पे चंदा देता है, भगवान ने चंदा दे रहा हूँ इसको, जो कहता है कि पीने मेरा इसके घर के सामने रोड डालो, ब्राह्मणों पे अत्याचार करता है, ब्राह्मण के घर के सामने भरा है, सिंधिया के नाम का एक आवाज बेटा पालो से कहता मैं भ्रष्टाचार नहीं सुना, मुझे चाहे पार्टी निकाल दे, मुझे विधायक बना दे, और लेकिन इन लोगों ने कोरोना काल में मैंने जो किया वो देखा, देश को कच्चे से क्या किया, एक आंख लाएगी एक मुझे पूछा आपने मेरे शहर की सड़कें हैं इसके मुख्यमंत्री क्या करता है शिवराज सिंह चौहान, एक मिनट तुम्हें बताएगी सबको से नहीं कर दिया नहीं जी, आपका सुनवाई करते हो आप जिले के मुखिया हो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो कल खेल जाता हूँ सुनो, चाहे एक खेल बन जाता दस खेल जाने तैयार है, लेकिन हम सबको नंगों का भी अगर मेरे साथ कोई गलत तो अच्छी बात तो है रखी अच्छे अच्छे बाद में जो पावर पर वो कहाँ ड्यूटी करते बताओ, आप एक कर्मचारी जाता हूँ वीडियो बना रहे हैं, बना रहे हम, बना रहे हम, बना रहे हम, अरे पता है हम धरो अपनो बात करता, मैंने बोला था आज माननीय घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में मुलाकात हुई है, और जो घटनाक्रम है चूंकि बैठक के दौरान चर्चा के दौरान आप इसमें कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, और उन बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं जिन्हें इससे मेरी बातों से कोई जो आहत हुए हैं, और एक वातावरण में कहीं ना कहीं चर्चा में वातावरण रहा है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, और जो बातें हैं इस प्रकार के मन में ना मेरी कोई कोई से भावना थी ना कोई इच्छा है, तो चूंकि बैठक में आवेश के दौरान ऐसी बातें जो निकल के आ गई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर ये आवेश का कारण क्या था आपका, लगातार सांसद जी से भी ठीक पटरी नहीं बैठ रही है और अब आवेश भी आ गया, पटरी बराबर बैठ रही है वो तो क्षणिक परिस्थिति थी क्या, बाकी परिवार के लोग हैं और परिवार में ऐसा चलता रहता है, क्या परिस्थितियाँ बनी थी आवेश में आ गया, नहीं नहीं ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी, वो तो चूंकि अब उस समय हम खुद नहीं बयां कर सकते कि कैसे स्थिति निर्मित हो गई है, लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैं सब क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं उसमें सच्चाई की। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।